दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं करता हूं आपका स्वागत। क्या है खास इस शो में, हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सिर्फ वास्तु शास्त्र का नाम सुन पाए लेकिन उन्हें नहीं पता वास्तु शास्त्र क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद वास्तु शास्त्र के बारे में जानते हैं बट दे हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सोचते हैं कि वास्तु शास्त्र सिर्फ एक सर्टन रिलीजन के लिए है। हम ये सारी मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, कौन सी दिशा सही होती है, आपके कई सवालों के जवाब देंगे और बहुत सारी लोकेशंस पे भी जाएंगे। हमारे साथ बनी रहेंगी हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावरा जी, हु इज वर्ल्ड नोन रिनाउंड ऑथर, टेलीविजन पर्सनैलिटी एंड अ स्पिरिचुअल गाइड। दोस्तों तो चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे शो की तरफ, शुरू करते हैं एक नई शुरुआत। दोस्तों वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत और साथ में स्वागत करता हूं ऑफ आवर वेरी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावरा जी का। पल्लवी जी, जिंदगी में रिलेशनशिप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी जिंदगी में अगर इंसान सब कुछ हासिल कर ले, अगर उसे दौलत भी मिल जाए और अगर उसे शोहरत भी मिल जाए, लेकिन अगर उसे जिंदगी में पारिवारिक सुख ना मिले, अगर उसे रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ना मिले, तो एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस रहता है। यू नो, जैसे आप देख लीजिए, भाई बहन अगर एक दूसरे से सालों साल बात ना करें, अगर यू नो हस्बैंड वाइफ के बीच में घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों के लिए तकरार हो, झगड़े हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, डिस्प्यूट्स हो, बिना वजह का तनाव घर में बना रहे, यू नो माँ बेटे में यू नो छोटी छोटी बातों के लिए अनबन हो जाए, लोग साथ में खाना नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठे हैं, लेकिन थिंग्स वर बेटर बिफोर एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दे मूव टू अ न्यू प्लेस थिंग्स कंप्लीटली गो हेवायर। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ने मुझसे ये भी कहा है आपसे पूछने के लिए कि वास्तु शास्त्र किस तरीके से रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकता है और कैसे उसको पॉजिटिव और बेटर बना सकता है। वास्तुशास्त्र इंसान की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा होने की वजह से लाइफ के जितने भी पहलू हैं, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, हेल्थ, वो सारे वास्तु के अहम पार्ट हैं। हर घर के अंदर हर इंसान के लिए कुछ रिलेशनशिप के कॉर्नर्स होते हैं। वैसे ये बात ज़्यादातर पर्सनल लेवल पे होती है। हर आदमी की नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हर एक का रिलेशनशिप कॉर्नर सेपरेट हो सकता है, लेकिन अगर जनरल वास्तुशास्त्र के नियमों के बारे में बात की जाए तो वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो रिलेशनशिप का सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नर माना जाता है, सबसे अहम कॉर्नर माना जाता है। यहाँ पे बात रिलेशनशिप पर्सनल हो, सोशल हो या बिजनेस के हो, अगर घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर घर में कटा हुआ हो तो पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप आपके खराब हो जाते हैं। अगर बिजनेस लोकेशन का साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो तो पार्टनरशिप और आपके एम्प्लॉय के, आपके और आपके वेंडर के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो रिश्ते तो हर तरह के होते हैं, लेकिन जिस तरह का नुकसान जिस लोकेशन पे, जिस पोजीशन पे बना हुआ हो, उस तरह के रिश्तों की कमी वहाँ का वास्तु दोष उस आदमी की जिंदगी में लेके आता है। तो जैसे आपने कहा कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, इन जनरल लोग अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर को ही समझ के चले, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम ये भी देखें कि अगर वहाँ पर कोई चीज़ कटी हो, जैसे हम वास्तुशास्त्र में मानते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रेकिंग एंड डूइंग रिकंस्ट्रक्शन, तो क्या सिंपल अलाइनमेंट्स से भी वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं? डेफिनेटली हो सकता है। आप अमेरिका में देखेंगे तो आपने साउथ वेस्ट एयरलाइंस का नाम सुना होगा। बिल्कुल, साउथ वेस्ट एयरलाइंस का सबसे बड़ा सिम्बॉल है हार्ट। ओके, हार्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप। Okay. उनका पर्पस ये होता है कि हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, दे प्रोवाइड बेस्ट रिलेशनशिप, उनकी कोशिश यही है और राइट नाउ इट्स अ नंबर वन एयरलाइंस। सो बेसिकली साउथ वेस्ट जो होता है वो वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार जो रिलेशनशिप कॉर्नर है उसकी कई तरह की कमी, उसमें कई तरह के वास्तु दोष तब जाके क्रिएट होते हैं जब साउथ वेस्ट कॉर्नर घर का कटा हुआ हो, बिजनेस की लोकेशन में वो डायरेक्शन कटी हुई हो, साउथ वेस्ट में कोई गहरा खड्डा हो, साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल बना हुआ हो, साउथ वेस्ट में इलेक्ट्रिकल पैनल बना हुआ हो, वहाँ पे फायर क्रिएट होता हो। वैसे सभी घरों के अंदर जो भी तरह के रिलेशनशिप से डिस्प्यूट होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं,
उसके लिए सिर्फ उनका एक दूसरे के साथ बात करना या रहना ज़रूरी नेचुरल स्वाभाविक नहीं होता है। वास्तु दोष की वजह से बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाता है। कई बार तो बनी बनाई लाइफ वास्तु दोष की वजह से खराब हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि समटाइम्स इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट वास्तु, तो आपको एहसास भी नहीं होता है कि किसी और वास्तु दोष की वजह से या नेचुरल किसी फोर्स के एलिमेंट के डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी लाइफ में ये परेशानी आई है। तो वास्तु में रिलेशनशिप फिक्स करने के लिए बिना किसी तोड़फोड़ काफ़ी तरह के पॉजिटिव सॉल्यूशंस बताए गए हैं, बट इट्स डिपेंड कि किस तरह का स्ट्रक्चर वो बना हुआ है। उसके हिसाब से जो भी सजेशन दिए जाते हैं उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं, उसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं। पल्लवी जी, जैसे आपने कहा कि उसको हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं, जैसे हमारे कोई घरों में रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िद्दी होते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि नहीं, हमारे इस घर में आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, मेरा काम अच्छा चल रहा है जी, तो मैं क्यों वास्तु या कोई कंसल्टिंग करूं, बिकॉज मेरी बीवी से आर्ग्यूमेंट हो रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है, वो सोचते हैं कि दुनिया में सबकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, सो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, राइट? लेकिन कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट लीड्स टू सम bigger calamities, like probably could lead to a divorce, it could lead to separation, it could lead to, you know, two brothers stop talking to each other for years. तो ये चीज इंसान कैसे डायग्नोज करे कि नहीं, एक तो चीज अच्छी चल रही है, बिजनेस अमेजिंग चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा कंप्लीट डाउनफॉल है। कई बार ऐसा होता है कि जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे इनिशियली जब आप एंटर करते हो बहुत अच्छा होता है, दो साल के बाद, चार साल के बाद, छः साल के बाद, हर तरह के इवन नंबर के अंदर साउथ वेस्ट में कोई कमी हो तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर आप किसी भी घर में रहने जाते हो और छः साल के बाद आपके पर्सनल रिलेशनशिप इतनी हद तक बिगड़ जाते हैं कि बाद डिवोर्स आ जाती है, इतनी हद तक उस रिलेशनशिप में परेशानी हो जाती है कि आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हो, तो उसको बड़ा ही लाइटली या मामूली ना लेते हुए अपने घर के वास्तु को एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। कई तरह के डिस्टर्बेंस के लिए बहुत तरह के रीज़न हो सकते हैं, कई एक्सक्यूज हो सकते हैं, बट ज़्यादातर इस तरह के रिलेशनशिप डिस्प्यूट वास्तु के लिए वास्तु दोष की वजह से दिखाई देते हैं। और उसके सॉल्यूशन किस एंगल पे आपको क्लाइंट मिलता है उसके हिसाब से कर सकते हो। बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि काफ़ी लोग देखते हैं, अभी मैं न्यूजर्सी की बात करूँगी, कुछ दिनों पहले मैं वहीं पर थी न्यूजर्सी में, और मैं अपने किसी क्लाइंट के साथ नया घर लेने के लिए जा रही थी, मेरे को घर दिखा रहे थे, मैंने उसको कहा कि ये घर हम नहीं ले सकते, डायरेक्शन आपके हिसाब से है बट यहाँ पे रिलेशनशिप कॉर्नर विक है, यहाँ पे डिवोर्स फाइल हो जाएगा। ऑनर बाहर के दरवाजे में खड़े थे, उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी, दूसरे दिन उनका मुझे फ़ोन आ गया, उन्होंने मेरे क्लाइंट से मेरा नंबर लिया और मेरे को कॉल किया कि आर यू टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, के बारे में कुछ बात चल रही थी, मैंने कहा यस, जो बेच रहे थे, मैंने कहा था कि यस, तो कहते हैं कि What's going on? हम लोग इसीलिए घर बेच रहे हैं क्योंकि हमने डिवोर्स फाइल किया हुआ है। तो कई बार बातें सुनने में बड़ी हैरानी की लगती है, लेकिन हमारी निरंतर प्रैक्टिस के दौरान हम एवरीडे की लाइफ में ऐसी चीज़ें देखते हैं कि 20 साल के एक साथ रहते हुए पति पत्नी सर्टन लोकेशन पे जाते हैं और वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। वही घर जहाँ पर आप, जो आपने कहा था कि डिवोर्स फाइल हो जाएगी, वो घर को आप व्हाई कुडंट यू मेक इट बेटर, यानी जो जब बात ऐसी हो कि वहाँ पे वो ऑलरेडी रह चुके हो या रहते हो तो वहाँ पे चीज़ों को फिक्स किया जाता है। जब आदमी नया घर लेता है तो जानबूझ के उसको मैं गलत घर दिलवाऊं और उसके बाद उसको फिक्स करूं, ऐसा तो ज़्यादातर कोई भी नहीं करता है। और जब कभी भी मैं अपने कंसल्टेंट के तौर पे अपने क्लाइंट के साथ कोई काम करती हूं, उनके लिए जब नया घर लेती हूं या रेंट करती हूं या बिजनेस प्रॉपर्टी को जब हम लीज़ करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितनी हो सके उतनी सही 10 अबाउट 10 या 10 अबाउट 7 या 10 अबाउट 8 के स्केल में प्रॉपर्टी को पसंद किया जाए। किसी वर्स कंडीशन के अंदर किसी चीज़ को फिक्स करना हो तो करते हैं, बट ज़्यादातर मेजोरिटी वास्तु दोष वाली चीज़ों में आप पैसा लगाओ, मिलियन का घर लो और उसके बाद उसको फिक्स करो, तो कोई भी बहुत हद तक ये बात वायबल नहीं होती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं कि जब होगी तब देखी जाएगी, जब होगी उसके बाद हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, बट दैट्स एक्चुअली नॉट अ राइट कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि हमेशा प्री डायग्नोसिस में आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, यानी उस घड़ी का इंतज़ार क्यों करना, जब डैमेज डन होगा उसके बाद आप आओगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए, तो दैट्स वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय ओनली सजेशन इज दैट इट्स ऑलवेज गुड टू गेट एंड अंडरस्टैंड व्हिच डायरेक्शन इज गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड नॉट वेट
फॉर द डैमेज टू बी डन। सो पल्लवी जी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके अनुसार क्या चीज होनी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अंदर साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट के साथ रिलेटेड कॉर्नर है। जनरल वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि पति पत्नी का मास्टर बेडरूम ऑलवेज साउथ वेस्ट में होना चाहिए, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी प्रैक्टिस में हम हर एक आदमी के लिए व्यक्तिगत वास्तु अप्लाई करते हैं। तो हर आदमी के हिसाब से जैसे उसका लकी कॉर्नर, उसका वेल्थ कॉर्नर, उसका हेल्थ कॉर्नर डिफरेंट होता है, वैसे उसका रिलेशनशिप कॉर्नर डिफरेंट होता है। तो उसी के हिसाब से मास्टर बेडरूम की पोजिशन को रखा जाता है। लेकिन उसके बाद भी सपोज उसके लिए कोई भी और दिशा के बेडरूम में रखने के बाद भी साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए रखते हैं। वहाँ कभी भी कोई गेस्ट रूम नहीं बनाया जाता। जो घर को ओन करते हैं, जो घर को ओन करता है, वहाँ पे होम ऑफिस हो सकती है, वहाँ पे स्टोरेज हो सकता है, वहाँ पे कोई भी और तरह की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर साउथ वेस्ट कॉर्नर में कभी भी दो चीज़ों को नहीं करना चाहिए। वहाँ पे गेस्ट रूम नहीं बनाना चाहिए और वहाँ पे कभी भी किसी भी डॉटर्स का यानी कि लड़कियों का कमरा वहाँ पे नहीं बनाया जाता। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में रिलेशनशिप को सिर्फ लड़ाई झगड़ों के साथ कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन किसी भी तरह के शादी ब्याह में डिले होता हो, मैरिज लाइफ में कोई भी तरह की परेशानी लड़कियों के साथ हो, तो साउथ वेस्ट में उनका कमरा नहीं बनाया जाता। तो पल्लवी जी, साउथ वेस्ट में अगर आप इमेजिन करें, अगर किसी का कमरा ऑलरेडी बना हुआ है तो तब वो इंसान क्या करे? बिकॉज यू नो प्रॉपर्टी इज वेरी एक्सपेंसिव, पीपल ऑलरेडी हैव अपार्टमेंट्स, पीपल हैव होम्स, एक कमरा ऑलरेडी है तो क्या करें, वो कमरे में रहना छोड़ दें? ज़्यादातर कोई भी घर होता है वो कभी ऐसा नहीं होता है स्टूडियो अपार्टमेंट के अलावा, जिसको अगर आप सिंगल फैमिली होम बोलते हो, वो कभी ऐसे नहीं होते जिसमें दो तीन या चार कमरे ना हो। किसी के पास दो बेडरूम का बना हुआ घर होता है, किसी के पास थ्री बेडरूम का बना हुआ घर होता है। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा बेडरूम बना हुआ हो जिसकी डायरेक्शन ऐसी है कि आपके मैरिज लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है, तो आपके पास उसका अल्टरनेटिव वहीं पे आपके घर पे आपको मिलेगा। तो जो उसके बाद सेकंड आपके पास थी बेस्ट कमरा बनता हो उसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्ज करिए, डॉटर इज लिविंग इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, राइट, पेरेंट्स आर लिविंग इन अनदर रूम, अगर वो लोग रूम स्विच कर दें, जी Will that बस work? बिल्कुल वही कहने का मतलब है कि अगर आपको इंटरनली ये लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ये शो सुनने के बाद किसी को ये लगता हो कि उनके घर में रिलेशनशिप में किसी भी डिस्प्यूट चलता हो, तो वास्तुशास्त्र की मदद से सबसे पहले उनको अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर चेक करना चाहिए। और शादी ब्याह के डिले से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो और अगर उनका साउथ वेस्ट में सोना बनता हो तो अपना बेडरूम अपने फैमिली के साथ या किसी भी इंटरनल सदस्य के साथ वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इतने अच्छे से हमें ये इन्फॉर्मेशन दी व्हेन इट कम्स टू डॉटर्स ऑफ द फैमिली, तो क्या ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस है अबाउट द सन्स ऑफ द फैमिली और द स्मॉल किड्स? ये बात सारी बातें शादी ब्याह से रिलेटेड मैच्योर बच्चों के लिए, चाहे वो घर का लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बात बराबर होती है। लेकिन लड़कों की अगर साउथ वेस्ट में अगर बेटे का कमरा बनाया हुआ हो या लड़कियों का कमरा हो, तो सिर्फ शादी ब्याह के डिले के अलावा अगर वो बच्चे छोटे हैं तो एक परेशानी और दिखाई दे देती है कि वो ज़्यादातर स्वभाव में स्टबन हो जाते हैं। वो माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, वो जिद्दी हो जाते हैं और छोटी छोटी बात पे पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बात घर का ब्रदर्स होता हो या सिस्टर्स होती हो या फिर बेटा बेटी सोते हो, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार साउथ वेस्ट कॉर्नर में घर के ओनर की कुछ खास बातें ऐसी होनी चाहिए जो उसके करियर के साथ जुड़ी हुई हो, जो उसके अपने डेवलपमेंट के साथ, पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हो। तो उस कॉर्नर पे बैठ के अपने हिसाब से उसके एलिमेंट को रखने से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी जी, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन पल्लवी जी, हम अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे अबाउट किड्स, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड हाउ डायरेक्शन कैन चेंज और इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक विद वास्तु लिविंग विद पल्लवी। वेयर देयर इज अ लव देयर इज नो डार्कनेस, विद आवर नॉलेज ऑफ वास्तु एंड फेंग शुई वी विल एनलाइटन योर लव लाइफ एंड क्रिएट अ हार्मनी इन योर मैरिज एंड रिलेशनशिप। आई एम पल्लवी छल्लावड़ा, योर वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। Place red scented candles to enhance your relationship corner. Call us today to find your relationship corner. Ek raah aur sahi disha jo zindagi badal de. Friends, welcome back after the break. You're watching your favorite show, Vastu Living with Pallavi. मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे वादा किया था, we'll be asking more questions about kids.
and how the southwest direction is related to relationships. तो पल्लवी जी, जैसे कुछ लोग हैं जिनके छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. सो ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चों के रूम्स ऑलरेडी साउथ वेस्ट डायरेक्शंस में बन चुके हैं, लाइक बच्चों के प्लेइंग रूम्स और जहाँ वो सोते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? डू पेरेंट्स हैव टू स्लीप विद देम? डू द पेरेंट्स हैव टू टेक देम टू देयर रूम? क्या करना चाहिए? जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे और अपने माता पिता के साथ सोते हैं, वो तो एब्सोल्युटली फाइन है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ सो रहे हैं. लेकिन अगर हम बड़े बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो कुछ उस एज मर्यादा के हिसाब से वहाँ पे बच्चों के कमरे जो है वो सिर्फ साउथ वेस्ट में बने हुए हो और बच्चा अगर अकेला सोता हो, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट हो या एक या तीन साल तक के बच्चे हो, तो उसमें आपको फ़र्क थोड़ा दिखाई देगा. क्योंकि इस तरह के बच्चे कोई भी हरकत करते हैं तो पूरा परिवार हंसता है कि मेरे बेटे ने ये किया. लेकिन जब वो बच्चा 5 साल से लेकर 15 साल का होता है, उस एज के बच्चे अगर आर्ग्यूमेंट करते हैं, स्टबननेस दिखाते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं, तो कई बार हमें सोशली वो चीज़ बहुत हर्ट करती है. पेरेंट्स कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो साउथ वेस्ट में बच्चों के कमरों को बनाने की वजह से उसके एज में परिवर्तन आ जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है. एक मिरेकल इफेक्ट देखनी हो, अगर बच्चा साउथ वेस्ट में सोता हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसका रूम बदल के देखें. वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन पता हो तो सबसे पहले वैसे ही सुलाना चाहिए, या फिर बच्चों से रिलेटेड समस्या हो तो उसके रूम को बदलने से ही आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट तुरंत ही दिखाई देगा. दैट्स वेरी वेल सेड पल्लवी जी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू फर्नीचर्स, व्हेन इट कम्स टू सम थिंग्स, जैसे कोई डेकोर होता है, तो कैसी चीज़ें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए और कैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? यही हम हमारे शो के लिए टिप ऑफ द वीक भी ले सकते हैं कि साउथ वेस्ट के अंदर लोगों को ज़्यादातर वास्तु के हिसाब से क्या रखना चाहिए. तो साउथ वेस्ट रिलेशनशिप कॉर्नर है, उसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ज़्यादातर अर्थ एलिमेंट है. अर्थ एलिमेंट है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, अर्थ एलिमेंट को इन्हांस करने के लिए, वहाँ पर ज़्यादातर क्ले, सेरामिक एंड पोर्सलिन की चीज़ों को रखा जाता है. और साउथ वेस्ट में ज़्यादातर हैवी मटीरियल की चीज़ को, टॉल चीज़ों को रखा जाता है. तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे पोर्सलिन या सिरामिक के बने हुए वास और हैवी आर्टिकल को रखा जाए. बिल्कुल पल्लवी जी, व्हेन इट कम्स टू इवन आर्टिकल्स, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? जैसे कलर थेरेपी भी होती है, तो साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, ऐसे कुछ कलर्स हैं विच आर वेरी फेवरेबल? साउथ वेस्ट के अंदर कुछ खास तरह के कलर्स को बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे एनर्जी फोर्स को बढ़ाने में सोने पे सुहागा बनने वाली बात हो जाती है. अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार 3 प्लेनेट को मिलने से खास तरह की युति बनती है, और कई बार गजकेसरी योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है. वैसे ही वास्तु में भी है कि कुछ डायरेक्शन के एलिमेंट के फोर्स को बढ़ाने के साथ साथ प्लस कलर एलिमेंट को अप्लाई करो तो और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है. वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट कॉर्नर के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे ज़्यादातर वाइब्रेंट और ब्राइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि मजंडा है. अगर बात लड़कियों के रिलेशनशिप की हो तो वहाँ पे पिंक, मजंडा, इस तरह के फ्लावर से रिलेटेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है. बात अगर सिर्फ लिविंग रूम के साउथ वेस्ट की हो या जनरल सभी के रिलेशनशिप की हो, तो वहाँ पर ऑरेंज, पीच, क्रीम, आइवरी, बेज, ब्राइट एंड न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और वहाँ पे कलर्स को अप्लाई किया जाता है. सो दोस्तों, जैसा आपने देखा आज के हमारे इस एपिसोड में, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली. वी हैव लर्न दैट द साउथ वेस्ट इज़ द रिलेशनशिप कॉर्नर, और कैसी चीज़ें हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखनी चाहिए, किस तरीके के बेडरूम्स हमें वहाँ पर यूज़ करने चाहिए, क्या साउथ वेस्ट कॉर्नर आपके लिए लकी है या नहीं. ये सारे सवाल के जवाब जानने के लिए प्लीज़ गो ऑन pallavichelavra.com. अगर आप लोगों के बीच में कोई अनबन चल रही है, एक दूसरे को ब्लेम करने की जगह पर आप ये देखिए, क्या आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन किस तरीके से है, क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, क्या वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका कटा हुआ है, क्या वहाँ पर स्विमिंग पूल है. ऐसी बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे. ऑल यू हैव टू डू इज़ गो ऑन pallavichelavra.com एंड आस्क पल्लवी जी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट योर रिलेशनशिप्स. आपको सिर्फ तभी जाने की ज़रूरत नहीं है जब आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, आप पहले भी प्रिकॉशन ले सकते हो, बिकॉज आई बिलीव दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और जाने से पहले मैं और पल्लवी जी सिर्फ आपसे एक बात कहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे. दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्ट मोंटी साइनिंग ऑफ विद अ प्रॉमिस टू बी बैक नेक्स्ट वीक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड. टिल देन कीप वॉचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी. टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस.